योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदू धर्म में तो आ गई हूँ, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, आज या कल गंगा नहाएंगे। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दे मेरे बच्चों को, और मुझे पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी ना करें। मैं नहीं जाऊँगी, पाकिस्तान का नाम भी सुनना नहीं चाहती। एक मशहूर फिल्म का गीत है कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके कोई सरहद नहीं रोके, और बिल्कुल सरहद एक इश्क को नहीं रोक पाई। पाकिस्तान के कराची से एक महिला जो शादीशुदा थी, वो एक इश्क के चलते भारत तक पहुंच गई और इस वक्त ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सीमा हैदर और उनका इश्क सचिन। सीमा जी, कैसे रही ये पूरी जर्नी आपकी पाकिस्तान कराची और ग्रेटर नोएडा तक की? बहुत मुश्किल थी सर, यहाँ तक आना आसान नहीं था। मैंने बहुत खर्चा करा और बहुत दिक्कतें आई, बच्चे बेचारे उल्टियाँ और बीमार से भी हो गए। यहाँ तक पहुँचने में गाड़ी, जहाज, जहाज, दूसरा जहाज, फिर बस, फिर वेन, बहुत मुश्किल था। एक शादीशुदा पाकिस्तानी महिला जिसके चार बच्चे हैं, उसे एक हिंदुस्तान के लड़के से इश्क होता है, ये इश्क की कहानी कैसे बनी, शुरुआत कैसे हुई, वो जानना चाहते हैं आपसे। पहले तो सर मैं अकेली रहती थी, पापा थे मेरे, वो दिन में काम पे रिक्शा चलाते थे, ऑटो वो चले जाते थे, और फिर सारा दिन अकेले थी। रात को 9 बजे आते थे मेरे पापा, जब तक वो जिंदा थे। तो दूसरी बात, मैं अकेली थी तो बोर होती थी, लेकिन पबजी खेला करते थे हम लोग, तभी नहीं खेलते थे और लॉकडाउन नहीं थे तब। मेरे पति 19 में चले गए थे सऊदी अरब कमाने के लिए ना, तो तब पैसे वगैरह भेजते थे, तो मैं मोबाइल चलाती थी, पबजी खेलती थी इनके साथ। ये मेरे साथ पहली बार आए, फिर हम खेलते खेलते अच्छा खेलते थे, पुराने थे, मैं नई थी पबजी में, तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। दोस्ती से फिर 21 में हमारा थोड़ा प्रपोज हुआ, इन्होंने मुझे करा, मैं इनको करा, हम दोनों नंबर एक्सचेंज हुए। वो तो 20 में ही हो गए सर, 21 में हमारे प्यार हो गया बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद तभी हमने 21 के 7वां महीना था या 8वां महीना था, तो हमने सोचा कि हम एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते, ये मेरे बगैर नहीं, क्योंकि इनके भी रिश्ते आ रहे थे, इनके रिश्ते आ रहे थे, इनके पापा रोज करते थे शादी कर ले शादी कर ले, और मैं भी अकेली थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये शादी कर लें किसी और को हो जाए, और ये भी कर भी नहीं रहते, मेरे मना करने की ज़रूरत ना पड़ी, खुद कहते थे मैं कभी नहीं करूँगा, मेरे लिए मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। तो सीमा, पहली बार पाकिस्तान की सीमा आपने कैसे लांघी और कहाँ पहुँची आप, उसके बाद ये भारत तक का सफ़र कैसा रहा, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। पहली बार मैं 10 मार्च को आई थी सर, तब इनसे सिर्फ मुलाकात के लिए। कहाँ हुई थी वो मुलाकात? नेपाल में, क्योंकि यहाँ का वीज़ा नहीं मिलता, मैंने यहाँ के वीज़े के लिए भी ट्राई करा था। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट सोचा कि भाई मैं गलत तरीके से जाऊँगी, पहले मैंने यही सोचा कि मैं यहाँ आऊँगी। मैंने वो फहाद अब्बासी हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करी, उनको उनका काम था इंडिया के वीज़े, उनके पापा यूट्यूबर हैं, सफेद दाढ़ी है उनकी, तो वो इंडिया के बारे में वीडियो बनाते हैं, और इंडिया की और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीज़ा लगा दें, वीज़ा लगा दें, दिक्कत ना करें। तो उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट करी, हेल्प ली, सारी फोटो खींचा इंडिया के वीज़े के लिए, सब कुछ मैंने सारे काम करे इंडिया के वीज़े के लिए, विदाउट पट्टा और चाहिए फोटो में, तो वो सारे फोटो मैंने खिंचवाए, सब कुछ इंडिया करे, इन्होंने आधार कार्ड भेजा, राशन किया, कार्ड की कॉपी भेजी, वो मैंने निकलवा के उनको दी थी कि भैया मुझे मतलब जाना है इंडिया, पर कोई भी डॉक्यूमेंट पूरे ना हो पाए, 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली बार आप जब नेपाल आई तो कुछ दिन आप रुकी भी थी सचिन के साथ? हम रुके 7 दिन, रुके, हमने शादी करी। कहाँ शादी हुई आपके नेपाल? पशुपतिनाथ में सर। उस वक्त बच्चे नहीं थे आपके साथ? अकेले आई थी सर। तो घर वालों को क्या कह के आएंगे आप? लाहौर का सर, लाहौर। अच्छा, कि हमारे यहाँ अलाउड नहीं है तो जाना वाना, किसी को भी पता नहीं था कि मेरे पे पासपोर्ट मैंने बनवाया है सर, मुझे पता था कि मेरे पासपोर्ट। सीमा हैदर जब नेपाल आई, उनकी शादी हुई सचिन से, तो आपको डर था कि इनको भी डर होगा कि एक पाकिस्तान की महिला है, ये एक हिंदुस्तान से, आप वापस आएंगी, या आपको लगता था ये वापस आएंगे? फिर इनको मुझ पे भरोसा था, हाँ, इनको लोग कहते थे अरे पाकिस्तान लड़कियाँ फ्रॉड होती हैं, एजेंट होगी कहीं, हाँ ऐसे इनको लोग कहते थे। हालांकि मुझे मतलब थोड़े पैसे कम हो गए मेरे पास, तो ये मुझे भेजने के लिए इन्होंने कोशिश करी, किसी से मांगे, तो कहा यार छोड़ दे, आना होगा तो आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान लड़की को भेज रहा है, इस टाइम को कहा गया कि फ्रॉड होगी, तेरे से पैसे लेके आएगी भी नहीं, लोगों ने कहा, तो मैंने मुझे तो कोई मेरे को मत भेजना, हुए तो मैं यहाँ पर टिकट जो है सस्ती हुई तो मैं आऊँगी, वरना मेरे वाले कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऊपर वाले की कृपा से मुझे 6 लाख में टिकट मिल गई, हम 5ों की, बच्चों की 1,20,000 में इस तरह, और मेरी थोड़ी 40,000 कितने मिल गई।
6 लाख में। नेपाल पहुंचे फिर आप? नेपाल के लिए। और वहां से फिर आप बॉर्डर क्रॉस करके गैर तरीके से? ये मेरा किराया में कि मैं गैर नेपाल। फिर आप गिरफ्तार भी हुए? जी सर, गिरफ्तार हमें कोई पकड़ा नहीं गया क्योंकि मैं कमरे में ही रहती थी, बाहर कहीं नहीं जाती थी। हम कोर्ट में इसके लिए वकील के पास। भारत की सरकार से, सूबे के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? वो आप आ गई हैं, योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदू धर्म में तो आ गई हूँ, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, वहाँ आ जाए कल गंगा नहाएंगे। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें मेरे बच्चों को, और मुझे पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी ना करें, मैं नहीं जाऊँगी, पाकिस्तान का नाम भी सुनना नहीं चाहती। आपके जो शोहर हैं वो सऊदी अरब से वीडियो बना रहे हैं कि मेरी बेगम जो है उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर नहीं जाऊँगी, वो ऐसे ही कह रहे हैं, और इतने साल समय उनको याद नहीं आया, इतना समय हो गया था मैं यहाँ पे हूँ, तब उन्होंने मुझे पाने की या मिलने की कोशिश ना करी, जब वीडियो में वायरल होने लगी तभी उनको पता पड़ा है, कभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो घरेलू हिंसा का शिकार थी आप एक तरीके से पाकिस्तान में? ये बहुत गलत और गाली गलौज देते हो, हमेशा कहते थे मैं आऊंगा तुम्हारे साथ ये करूंगा, तुम्हारे साथ ये करूंगा, और डिवोर्स की बात भी इन्होंने खुद ही करी थी, मैंने कभी नहीं करी थी, ये खुद ही कहते डिवोर्स की बात। हमारे साथ सचिन भी हैं, सीमा हैदर के जो उनका इश्क है। सचिन भाई ये बताइए, पबजी से पाकिस्तान की लड़की से मुलाकात, डर नहीं था आपके अंदर? जैसे मोहल्ले में कई लोगों से हमने पूछा आपका घर, तो कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि एजेंट तो नहीं है कहीं? ये नहीं सर, वो पहले मैं ऐसा ही सोचता था कि वहाँ की लड़कियाँ सब ऐसी होती हैं, यानी कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ सोचता है, तो मैं भी इस तरीके की सोचता था। जब मैंने इससे बात करी, बात करने के बाद कुछ दिन, मैंने एक साल बात करी, वैसे हमारा प्यार जब लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमारी बात होते होते में तो प्यार ऐसा हो गया कि मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊँगा, तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। तो हमें जानकारी नहीं थी कि कैसे पासपोर्ट बनेगा, कैसे वीज़ा बनेगा, तो यूट्यूब पे सब चीज़ जानकारी लिखा रही हमने, सब चीज़ यूट्यूब से ही जानकारी करके ये सब ओके करवाया, वीज़ा टिकट सब, पासपोर्ट ये सब। नेपाल पहुँचे आप? फिर नेपाल पहुँचे, तो 7 दिन हम वहाँ पर रहे थे, 10 मार्च को पहुँचे थे, तो 13 मार्च को हमने काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, उसके बाद हमें 7 दिन हो गए, 7 दिन होने के बाद तभी से इसने हिंदू धर्म अपना लिया था। और जब पूरा गांव और पूरा परिवार खुश है, पाकिस्तान से भाभी आई हैं, ये परिवार को और घर वालों को और मोहल्ले वालों को ये नहीं है कि पाकिस्तान से ही आई है, सब अपनी बेटी के समान मानकर सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, सब पे हाथ धर कर सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। आपकी जो माली हालत है उसमें पाकिस्तान से एक महिला आई है जो अपना घर छोड़ के आई है किसी वजह से, 4 बच्चों के साथ, थोड़ा सा मुश्किल है अभी ये सफर? जी सर, इसको सब पता थी कि हमारी क्या हालत है, कैसी हालत है, सब ये आप हम दोनों आपस में सब चीज़, यानी कि हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी जो हम छुपाते थे, सब चीज़ अपने अब मैं अपने बारे में, ये अपने बारे में सब चीज़ बता देता कि अगर हम एक एक पल भी, यानी कि हम कहीं जाते थे ना तो एक दूसरे को बता के जाते थे कि हम वहाँ जा रहे हैं। सीमा ये बताइए कि अपने मुल्क वापस जाने की कभी तमन्ना है? अपने मुल्क से हर आदमी को प्यार होता है? बिल्कुल है, मुझे अपने भाई बहन प्यार है, पर वापस नहीं जा सकती, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और मैं भी उनके साथ खुश हूँ, और अल्लाह और भगवान करे वो हमेशा खुश रहें। तो पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे? नहीं सर, मैं नहीं जाऊँगा। अब हिंदुस्तान की बेटी, हिंदुस्तान की बहू, हिंदुस्तान की पत्नी बन के रहेंगी इनकी सचिन जी? बिल्कुल, यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू हूँ, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए थोड़ा सा आप भी करें रिक्वेस्ट। तो ये थी लव स्टोरी पाकिस्तान कराची से लेकर ग्रेटर नोएडा तक की। ये हमारे साथ दोनों प्रेमी जोड़ा यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, इनका कहना है कि सूबे के मुख्यमंत्री इनको यहाँ की नागरिकता दें, ये उत्तर प्रदेश में रहना चाहती हैं, यहाँ पर इन्हें पूरा प्यार मिल रहा है, सचिन के साथ ये एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हैं, और पाकिस्तान से इन्हें जरूर प्यार है अपने मुल्क से, लेकिन अब ये पाकिस्तान कभी वापस नहीं जाना चाहती हैं।